नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही खबर के साथ, जहां एयरपोर्ट पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। रायपुर से खबर बता दें, जहां एयरपोर्ट पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, एक व्यक्ति की मौत की खबर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सभी अधिकारी मौजूद, लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। छत्तीसगढ़ सरकार का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, जिसमें दो लोग सवार थे। एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता भोजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोजेंद्र, एयरपोर्ट पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार का बताया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? जी ऋतु, बता दूं कि आज एक बड़ी घटना रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट जो है, वहाँ पे वहाँ पे एक बड़ी घटना हुई, जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर को छत्तीसगढ़ शासन का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु की भी सूचना आ रही है। एक व्यक्ति की मौत हुई है और एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल है, जिनको रिफर किया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल में। ऋतु बता दूं, बड़ी घटना है, आज तक रायपुर में किसी तरह की किसी हेलीकॉप्टर जो क्रैश होना है वो वहां नहीं होता। लैंडिंग के दौरान जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें एक आदमी की मृत्यु हुई। अभी तक आधिकारिक पुष्टियां, उनके नामों की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई कि किनकी मौत हुई है, लेकिन ये पूरा बताया जा रहा है कि शासन, छत्तीसगढ़ शासन का हेलीकॉप्टर है जिसका क्रैश हुआ है। निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से कहना तो नहीं, लेकिन सूत्रों के हिसाब से माने तो किसी न किसी जो प्रशासनिक लोगों से लोगों में से या फिर राजनीतिक लोगों में से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से लेके। जी बिल्कुल भोजेंद्र, एयरपोर्ट अथॉरिटी के सभी अधिकारी मौजूद बताए जा रहे हैं, क्या अधिकारियों का कोई बयान सामने आया है? जी ऋतु, क्या है, मामला काफी गंभीर है, जिसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी की अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, क्योंकि लगातार जो है बात सामने आ रही है कि ये जो है शासन के एयर हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। और बड़ी घटना है ऋतु, और बड़ी घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु की भी खबर सामने आ रही, तो इस घटना से यह कह सकते हैं कि अभी तक शासन की ओर से या एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कोई किसी तरह की कोई जानकारी अभी तक मीडिया को या फिर मीडिया को जारी। जी भोजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी।